दिस लेट्स मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। स्टार्ट टुनाइट्स क्लास। नहीं रुमान, आज पहले ही टू की क्लास। तो पेपर शुरू करते हैं आज का। इट्स एज आई सेड अर्लियर, लास्ट पेपर फॉर 2023 एंड इट्स मई जून 2023 पी 2 1। सही हो? डिटेल सारी वही है। 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है। एंड इमान, मैं रोमान से बात कर रहा है। रोमान A2 का एक बच्चा है, तो रोमान और ईमान मिलता जुलता है। यू गॉट कंफ्यूज, सॉरी। चलो, सो प्रेशर, प्रेशर हमारे पास किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड बोल रहा है एसआई बेस यूनिट ऑफ प्रेशर बताओ। तो बेटा प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट जो बेस यूनिट्स होते हैं वो याद कर लें। केजीएमएस -2 फॉर द फोर्स एंड मीटर स्क्वायर फॉर एरिया। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया एंड जो मीटर नीचे है वो ऊपर आ गया। तो केजी एम -1 एस -2 इज द बेस यूनिट ऑफ प्रेशर, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है? नाउ कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसकी लेंथ है एल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसका रेडियस है आर, द लीनियर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोस थ्रू द पाइप, मास एम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस सिचुएशन। बड़ी खतरनाक सिचुएशन दी हुई है। कोई P1 एंड P2 आर द प्रेशर एट द एंड ऑफ द पाइप एंड K इज कॉन्स्टेंट। ऐसा बेस यूनिट ऑफ K निकाल लें। ओके, सो पहले तो हमें काम करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इतनी अजीबोगरीब सिचुएशन में तो हम इस सिचुएशन को नहीं आगे लेकर बढ़ सकते। तो बेटा हमारे पास एम मास है, पाई ऐसे ही रखा, P2 -P1 क्या है? प्रेशर थे, तो P2 -P1 कैन बी कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है? आर हमारे पास रेडियस है एंड रो डेंसिटी है, टी टाइम है अपॉन 8, टी के बेस यूनिट निकालने हैं और एल हमारे पास लेंथ है। पहले के को अलग कर दें, ठीक है? और ये पूरी इक्वेशन हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगी, ठीक है? एम और के ने अपनी प्लेसेस स्वैप कर ली। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द बेस यूनिट्स। पाई कांस्टेंट है, पाई के कोई बेस यूनिट नहीं होंगे। डेल्टा पी क्या है? प्रेशर और चेंज इन प्रेशर, इसके बेस यूनिट के जी एम -1 एस -2 होंगे, वो जो अभी ऊपर प्रूफ किए हैं। आर हमारे पास क्या है? रेडियस विच इज लेंथ, तो मीटर स्क्वायर। रो डेंसिटी विच इज के जी एम -3, टी टाइम विच इज सेकेंड, हीट कॉन्स्टेंट है, मास kg एंड लेंथ मीटर। नाउ kg से kg कैंसिल आउट हुआ और 1 मीटर से 1 मीटर हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। नाउ अब देखें m -1 m खत्म हो गए, -1 + 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बचा सिर्फ और सिर्फ क्या? m -2। सिमिलरली s -2 और s क्या बचेंगे हमारे पास? एस -1 एंड 1 kg भी दिख रहा है हमें, जो कि ये रहा। तो बेस यूनिट हमारे पास क्या आ गए? बेस यूनिट हमारे पास आ गए kg, एम -1 एंड ओ सॉरी 1 मिनट, एम को डील नहीं किया शायद हमने। हाँ जी, पे स्क्वायर भी था ना। ओ ओ ओ रेडियस की पावर 4, तो क्या किया हमने? डेंसिटी, ये प्रेशर आ गया, रेडियस की पावर 4 नहीं की हमने, रेडियस की पावर स्क्वायर कर दिया। ये छोटी सी गलती हुई थी। तो अब क्या होगा बेटा?
1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा इसकी पावर 3। एंड अब देखें क्या हो रहा है, इस मीटर क्यूब से ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, यानी बचा हमारे पास बस ये। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स बेस यूनिट्स को फाइंड आउट करने में एक आठ मरतबा क्रॉस चेक कर लिया करें, कोई मसला तो नहीं हो रहा है। दैट इज वाई इसके मार्क्स आपको 3 मार्क गिवन है जी बेटा। एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटीज इन द इक्वेशन। ओके, के को डिटरमाइन किया जा रहा है अदर क्वांटिटीज को मेजर करके इक्वेशन में। वैल्यू ऑफ एल एंड आर ईच हैव अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 2%। ठीक है, आपसे क्या बोल रहे हैं, एल और आर दोनों में 2% की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू। सही है, स्टेट द एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है, बगैर किसी कैलकुलेशन के आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज टू क्वांटिटीज कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर थ्री। अच्छा, अब साइड में देखो, मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूँ। अनसर्टेनिटी इन के अपॉन के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मैं सिर्फ आर और एल की बात करूंगा, अनसर्टेनिटी इन आर ओवर आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और क्योंकि पावर 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई होती है। तो बेटा अगर इसकी हमारे पास 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो हमारे पास 8% परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंक्रीज करवा रहा है आर, जबकि अनसर्टेनिटी इन के अपॉन के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी एल पे किस तरह डिपेंडेंट है, इस तरह बस, कोई पावर से मल्टीपल नहीं हो रहा है। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास जो आर है वो मल्टीपल ऑफ 4% अनसर्टेनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है के की। सही है, तो हम क्या बोलेंगे, आर कंट्रीब्यूट्स मोर इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, एज इट्स द इट्स 4 टाइम्स ऑफ 2%। ठीक है, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कोर्स। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया, एंड ओके चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो पॉइंट जहां पूरी की पूरी बॉडी का वेट लाया करता है, द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी लाइज या अपीयर्स टू एट। सही है, नाउ अब हमसे क्या बात हो रही है बेटा, हमसे बात हो रही है, टू ब्लॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल बीम दैट इज पिवोटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शोन। ओके, हमें पिवट दिखाया हुआ है विच इज आर फिक्स्ड पॉइंट, और स्केल डायग्राम नॉट टू स्केल है, ठीक है, यानी हमें डायग्राम से मेजरमेंट नहीं लेनी है। लार्ज ब्लॉक ऑफ वेट 54 न्यूटन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.45 मीटर फ्रॉम द पिवट। ओके, इसकी बात हो रही है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 2.4 न्यूटन सो दैट 0.95 डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एंड अ डिस्टेंस ऑफ 0.35 मीटर्स टू द राइट एंड ऑफ द बीम। ओके, राइट एंड से इतना दूर है, पिवट से इतना दूर है, सारी बातें बताएंगे। द राइट एंड ऑफ द बीम इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय द स्ट्रिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। जैसा कि लग रहा है इस तरह का सवाल हम लोगों ने पहले देखा है।
या एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है बट इस जैसा है। ओके चले, बस वहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे पिवट लगा हुआ है। चलें देखते हैं। बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द पिवट कैलकुलेट टेंशन टी इन द स्प्रिंग। ओके तो बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द पिवट टेंशन टी निकालनी है हमें स्प्रिंग। ओके तो बेटा हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें करना होगा ये कि हमें टेंशन को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना होगा। सही है। तो एक कंपोनेंट ये आ गया हमारा, एक कंपोनेंट ये आ गया हमारा, ठीक है। जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है और दूसरा साइन का फंक्शन होता है। अब देखो ये जो कॉस का फंक्शन है ना, ये हमारे पास डायरेक्टली अलोंग द पिवट लग रहा है, तो ये कोई कॉस वाला फंक्शन जो है हमारे पास मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सही है। मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा? टी साइन पर टी, ठीक है। और कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। और फोर से पिवट तक का फासला क्या है? दिस प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? माइक्रोफोन ऑन है, 1.3 1.3। या इसका डिस्टेंस हो गया 1.3 मीटर। सिमिलरली दूसरा हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है वो 2.4 न्यूटन है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.95 मीटर है। एंड द थर्ड वन विच इज हैविंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.45 मीटर। सही है। तो हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम बोल दिया है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करूंगा। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही है। क्लॉकवाइज मोमेंट दो कर रहे हैं, वन इज टी, sin 30 होता है 0.5। सही है। एंड मल्टीप्लाई बाय 1.3 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.95। सर 1.3 दोबारा। बेटा 1.3 फोर से लेके पिवट तक का फासला इन दोनों को ऐड करके आया है। सही है। ओके हमजा लेट मी सी ओके सर। नाउ, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन करवा रहे हैं हमारे पास? 54 न्यूटन, जो कि 0.45 मीटर के फासले पे। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3 0.65 हो गया, और ये हो गया 2.28, एंड ये हो गया 34.3। सही है। तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो आ जाएगा बेटा? कैन यू गाइस हियर मी? आई गेस सिग्नल ड्रॉप हो गया था। ओके सो बेटा हमने अभी तक क्या बात की थी? इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दिया। तो टी बराबर हो जाएगा 24.3 माइनस 2.28 डिवाइड बाय 0.65। 33.8 33.8, और हमदा ने सही ही कहा था 32। सही है। नाउ द स्ट्रिंग इज कट सो दैट द बीम
इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। ओके, जब स्ट्रिंग को कट कर दिया, इसका मतलब अब ये वाली फोर्स अप्लाई नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इन दोनों के क्लॉकवाइज मोमेंट का सम हमारे पास इसके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर था, लेकिन जब ये ही नहीं रहा तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमारा जो बीम है वो इस तरह हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। सही है। तो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट एक्टिंग ऑन द बीम इमिडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो बेटा अब सिर्फ दो मोमेंट आ रहे हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं हम, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 54 था ना, 54 मल्टीप्लाई बाय 0.45 माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट लिख रहा हूँ अब, विच इज 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.95। तो 22 हमारे पास आ रहा है मोमेंट, एंड दैट इज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंट आ गया। व्हेन द बीम एन बी रोटेट्स द स्ट्रिंग, व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 2.4 न्यूटन प्रोजेक्टेड इनटू एयर। अगर 2.2 शोज द लास्ट पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ द ब्लॉक बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट वाई। सही है। अगेन एट पॉइंट एक्स ऑन द पाथ द ब्लॉक हैज अ स्पीड दिस। ठीक है, ब्लॉक की स्पीड हमें इस पॉइंट पर पता है 3.4 ms-1 एट अ हाइट ऑफ 1.8 m अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हियर रेजिस्टेंस इज नेगलिजिबल, हाइट भी गिवन है। कैलकुलेट द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई। ओके, एक्स टू वाई से हमें डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बोला जा रहा है। सही है। सो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज एम जी डेल्टा एच। एम जी पता है आपको, वेट, वेट ऑफ द ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक दिया है बेटा, ये 2.4 न्यूटन का ब्लॉक दिया होगा आई गेस, बताया हुआ इसमें। हाँ, तो वेट पता है आपको 2.4, और हाइट भी आपको पता है 1.8 इस डायग्राम में बनाई, तो आपको 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4.3 1.8 या 4.32। अच्छा, मैंने पूरे एमजी की जगह डायरेक्ट वेट पुट कर दी। सही है, तो 4.3 जूल आपके पास डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। सही है। नाउ यूज योर आंसर इन C1 एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट वाई। एट वाई पे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें। सही है। सो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे ये जितनी भी डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है एक्स से वाई पे, ये कहाँ जा रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। पहले एक्स से वाई की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी गेन होगी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास लॉस होगी। ठीक है, तो तो -0 से करेंगे ना, क्योंकि जब जमीन से टकरा गया बिल्कुल तो 0 हो गया ना। तो क्या मतलब, देखे ऊंचाई पे था पार्टिकल, अब पार्टिकल आ गया फ्लोर पे, तो फ्लोर पे आ गया तो 0 हो गया। बेटा उसने फ्लोर पे टकराने की बात थोड़ी की है, उसने बस बोला है एक्स टू वाई की जीपी निकालो, ओ सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालो। ठीक है, तो किस काइनेटिक लेकिन यू तो भाई सिर्फ एनर्जी जीपी से ही होगी ना। ब्लॉक, किस काइनेटिक एनर्जी से ब्लॉक जमीन पे टकरा रहा है वो चाहिए इसे।
ओके सर, काइनेटिक एनर्जी गेन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर, क्या कह रहे हैं बेटा, हाफ एम ए स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें स्पीड, ओ सॉरी स्पीड पता है हमें, ठीक है एक मिनट, ये तो बाद में अप्लाई होगा, पहले हम एक काम करते हैं, जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास पता है हमें, अगर वेट 2.4 न्यूटन है तो मास क्या होगा ये, और स्पीड 3.4 पता है। ठीक है, तो बताएं क्या आंसर आएगा हमारे 1.4 पास? जी बेटा, वन पॉइंट वन पॉइंट फोर फोर वन या ठीक है। सो इस पॉइंट पर, पॉइंट एक्स पर हमारी बॉडी जिस एनर्जी से आ रही थी ना, हमने वो एनर्जी निकाल ली 1.4 जी। अब वो अप्लाई करेंगे जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, सब की सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, जो कि हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, 1.4 में 4.3 को ऐड कर देंगे, तो इट विल स्ट्रेट फॉरवर्ड बी 5.7, विच इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सही है, नाउ स्टेट द वेरिएशन इफ एनी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वाई वोंट बी सब्ट्रैक्ट, ये मान हम इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी बॉडी की ऑलरेडी कुछ स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ से यहाँ आने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी और मजीद आई है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वाई पे इसका और इसका सम होगा, ठीक है। नाउ स्टेट द वेरिएशन इफ एनी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज इट मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। तो बेटा जब आपके पास ब्लॉक एक्स टू वाई मूव होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्स एक्सिस में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, और हमारा ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल वाली होगी, जो कि हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नो चेंज एज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज ऑलवेज। सर, ये दोबारा बताया ना कि एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर से हाइट से आ रहा है, तो 9.81 होगी ना सर? हाँ, तो एक्सेलेशन ऑफ फ्री फॉल ही तो बोला है, विच इज 9.81। लेकिन आपने एक्सेप्शन बोला था तो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है, तभी तो बिफोर एंड आफ्टर, आई मीन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस बराबर होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, ओके सर। तो ये हमारे पास इसका पार्ट हुआ। अब ये सवाल रहता है और मजीद, तो क्या बोल रहे हैं, द ब्लॉक ऑफ पॉइंट पासिस पॉइंट एक्स एट टी एक्स एंड अराइव एट पॉइंट वाई एट टी वाई, फिगर 2.3, स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टी एक्स एंड टी वाई, नहीं बदलती, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी पे टी एक्स एंड टी वाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, सही है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ नो एक्सेलरेशन और ओपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये 12 मार्क का सवाल हमारा कंप्लीट हो गया।
वी आर डन विद ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पेपर एंड अब आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम रिलेटेड लग रहा है, देखते हैं। अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय फोर्स एक्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर 3.1। ओके, तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स डाउन बैकवर्ड है 0.8 न्यूटन, और हमारे पास यहाँ पर फॉरवर्ड फोर्स है एक्स, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट। अज्यूम दैट द टोटल रेजिस्टिव फोर्स इज 0.8 न्यूटन एट ऑल स्पीड्स। ओके, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स इज शोन, मतलब फोर्स एक्स टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है वो हमें पता चल रहा है, और हमें बोल रहे हैं तमाम स्पीड्स पे यही हमारे पास फोर्स है जो के रेजिस्टिव फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है। सबसे पहले तो हमसे बोला है डिफाइन फोर्स, तो जब आपसे बोला ना डिफाइन फोर्स, तो फोर्स को आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डोमेन में रहते हुए बताना है, इट्स बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक फ्रॉम टी इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड्स। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है। एक्स फोर्स है, 0 से 3 सेकेंड बोल रहे हैं ना, तो बेटा 0 से 3 सेकेंड्स पे हमारे पास फोर्स में चेंज ही नहीं आ रहा। 1 मिनट, 0 से 3 सेकेंड, तो यहाँ पे चेंज आया है, सही है, सही है। तो 0 सेकेंड्स पे फोर्स है 1.4, एंड 3 सेकेंड्स पे फोर्स हमारे पास कितनी है 0.8, सही 0.8 है। तो 0.8 तो मोमेंटम आपके पास होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, अभी मैंने आपको बताया रिजल्टेंट फोर्स फोर्स होता है इनटू चेंज बी इन अपॉन मोमेंटम टी। अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हमारे पास क्या आ रही है, 1.4 जीरो पॉइंट माइनस सिक्स 0.8 जीरो पॉइंट एट एंड टाइम 3 सेकेंड। हम सर, वन वन पॉइंट पॉइंट एट एट आ रहा है सर। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक बिटवीन टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स। अब वो बात आएगी जो मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ी देर पहले, 3 से 6 सेकेंड्स में हमारे पास देयर इज कॉन्स्टेंट फोर्स। तो इफ द फोर्स इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो आ रही है वो कितनी है बेटा, 0.8, आई मीन जो फॉरवर्ड फोर्स है, और बैकवर्ड फोर्स भी कितनी है, 0.8। तो जब फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स दोनों बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, एंड दैट इज वाई हमारे पास मोमेंटम भी 0 होगा। बट ये क्या बोल रहे हैं, मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सिंस बोथ फॉरवर्ड एंड रेजिस्टिव फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो दे कैंसिल आउट, हेंस रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो बॉडी मूव्स
विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर वैलिड हो जाएगा, सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर आगे कंटिन्यू करेगी अपना मोशन। ठीक है, अब आगे की बात हो रही तो ये है, वर्टिकल लाइन कैसे बनी, वर्टिकल मतलब लाइन बिल्कुल कौन सी आ गई, वर्टिकल लाइन द ग्राफ पे? ग्राफ पे वर्टिकल लाइन कैसे बनी? बेटा ग्राफ पे वर्टिकल लाइन समाओ ऐसे बनी है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड फोर्स है वो डिक्रीज हो गई है, मे बी उसने ब्रेक लगाया बॉडी ने, कोई रेजिस्टिव सिनेरियो यहाँ पे बिल्डअप हुआ, कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से, यार मतलब वो उसने बताया नहीं है कि वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमारे पास ये अचानक 1.4 न्यूटन से 0.8 न्यूटन की फॉरवर्ड फोर्स कैसे हो रही है। ठीक है, हो सकता है उसने एक्सेलेरेटर पे कम पाँव रखा हो, मे बी एनी रीजन। ओके सर, नाउ एक्स प्रोड्यूसेस अ टोटल पावर ऑफ 2 वॉट व्हेन मूविंग द ब्लॉक बिटवीन टी इक्वल्स टू 3 सेकंड टू 6 सेकंड्स। ओके, पावर पता है आपको, और बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग दिस टाइम। सही है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है, हमें टाइम भी पता है और पावर पता है, तो मेरे दिमाग में एक वर्किंग चल रही है, याद है हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, और जब मुझे फोर्स भी पता है 3 से 6 सेकंड्स पे 0.8 न्यूटन, पावर भी पता है, तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। टू पॉइंट फाइव सही है, एंड देन स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 2.5 है, टाइम हमें 3 से 6 यानी 3 सेकंड्स गिवन है, तो आपका डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है वो 7.5 मीटर्स है। तो वर्क डन वाली इक्वेशन यूज नहीं होगी, कर सकते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम कर सकते हैं, मतलब दूसरी वर्किंग ऐसी भी हो सकती है कि आपने वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम किया, वर्क हमारे पास एफ इनटू डी होता है, डी क्या हो जाएगा, पीटी अपॉन एफ, तो पावर है 2, टाइम है 3, एफ है 0.8, तो भी आंसर यही आएगा, या 7.5। ठीक है, नो क्वेश्चन, जी सर। ओके। तो एट द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, सही है, आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑन फिगर 3.3। हाँ परफेक्ट ईमान, ऐसे भी हो जाएगा जो मैंने दूसरा तरीकेकार बताया ना, आपने पी इक्वल टू एफ डी अपॉन पी, हाँ वही वही तरीकेकार है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। ऑन फिगर 3.3 स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम टी इक्वल टू 0 to 3 सेकंड्स, न्यूमेरिकल वैल्यू इज आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो हमारे पास क्या सिनेरियो होगा बेटा, ओके, तो हमारे पास अगर ऊपर हम ग्राफ वाले पे चलें, तो हमारे पास यहाँ पर शुरू वाले पार्ट में क्या सिनेरियो है, पहले हम 0 से 3 सेकंड्स की बात करें, कांस्टेंट इंक्रीज अंटिल 3 सेकंड्स, देन 0 till 6 सेकंड्स, मतलब हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास सिग्मा एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी होता है, तो डेल्टा पी क्या है, सिग्मा एफ
इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या सिनेरियो है बेटा। इनिशियली जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स कितनी थी 0.8, तो 1.4 फॉरवर्ड फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स 0.8 है एंड टाइम कितना है 3। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3, 1.8। यानी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड वी हैव चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो हम यहाँ पर 0 से 3 सेकेंड तक अपने ग्राफ को, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई करके दिखा दिया, चेंज इन मोमेंटम विल बी कॉन्स्टेंट, सही है। तो 3 सेकेंड तक मैंने अपना ग्राफ दिखाया वैसे इस तरह, सही है। अब बाकी आगे के सिनेरियो में हमारे पास क्या हो रहा है, एट 3 सेकेंड्स हमारे पास सिनेरियो क्या हुआ है कि एग्जैक्टली हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू इस पॉइंट पे 0.8 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स हो गई, 0.8 न्यूटन बैकवर्ड फोर्स हो गई, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 हो गया। तो मोमेंटम जो कि रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी, ठीक है। तो हेयर वी विल शो सम मोमेंटम बट नॉट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा बॉडी का, लेकिन चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। इसका मतलब आप इसी पॉइंट पे लाइन को इस तरह हॉरिजॉन्टल बना देंगे, सही है। सवाल खत्म हो गया, कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, बताएं आप। बिल्कुल जी बेटा, मदद से तो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर हॉरिजॉन्टल लाइन समझाऊं बेटा। हॉरिजॉन्टल कैसे। लाइन आपके, मैं इसलिए इस तरह प्रूव कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे फॉरवर्ड फोर्स कितनी है हमारे पास, 0.8 न्यूटन ना, और एग्जामिनर ने पहले भी बताया बैकवर्ड फोर्स कितनी है 0.8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, 0 सर 0। 0। अब अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की जगह यहाँ 0 रख देता हूँ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, जी सर, राइट। यानी मोमेंटम बदलेगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो देखो वाई एक्सिस पे मैंने चेंज लाना बंद कर दिया, ठीक है, दैट इज ऑल। ठीक है सर। क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 सीम्स लाइक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स क्वेश्चन। अ स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एट वन एंड, द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय द वर्टिकल फोर्स अप्लाइड टू द अदर एंड, द वेरिएशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड लेंथ एल ऑफ द स्प्रिंग इज शोन। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द लॉ दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। एनीवन, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। रिमाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटा मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे उठा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सेम ग्रेडियंट है, सही है। तो लेट से मैं उठा रहा हूँ ये वैल्यू, ठीक है। तो बेटा अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ, तो एफ इक्वल टू के एक्स, के हो जाएगा एफ अपॉन एक्स, एफ कितना है 6 न्यूटन मेरी वैल्यू के मुताबिक जो मैंने चूज की। आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते थे इस पर, ठीक है। और एक्स क्या है, दिस इज योर एक्सटेंडेड लेंथ एंड दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो वो 16 माइनस 8, यूनिट ऐसा ही यूनिट है, तो इसको 7 7 सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करूं, डिवाइड बाय 100 करके, एंड देन यू टेल मी द फाइनल आंसर। 75 ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, और
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मांग रहे हैं व्हेन आर इक्वल टू 6 न्यूटन। इत्तेफाक की बात है, आई डिड नॉट नो, मैंने वर्किंग 6 न्यूटन वाली फोर्स पे ही की है। तो वी ऑलरेडी नो द एक्सटेंशन 16 - 8 2 सेंटीमीटर, और वी नो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, तो मैं डायरेक्ट इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये लगा दूंगा। जीरो पॉइंट टू फोर तो बहुत मासूम सा सवाल था, 5 मार्क के अगेंस्ट ही हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव थ्रू द मीडियम, द वेव प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल थ्रू द मीडियम, अ वेव कॉजेज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट अलोंग लाइन पी, द एनर्जी ऑफ द वेव प्रोपेगेट्स अलोंग लाइन पी। ओके, अब बोल रहे हैं अगर ट्रांसवर्स वेव एज अ प्रोग्रेसिव वेव है, तो बोल रहा है कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी एंड लाइन क्यू। लाइन पी क्या है बेटा हमारे पास? लाइन पी हमारे पास पार्टिकल्स की मीडियम की वाइब्रेशन है, मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, और लाइन क्यू हमारे पास क्या है? डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ये पी होता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू द ये पी डायरेक्शन ऑफ होता है, वेव। सही है? जबकि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये पी होगा और ये क्यू होगा, ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर विद ईच अदर। और ये होगा ठीक है। ओके, एक नजर देखकर बताओ, ओपन पाइप है क्लोज पाइप है? क्लोज क्लोज पाइप क्लोज पाइप है। एंड रिसर्च मैंने पाइप आपको क्लोज पाइप के बारे में क्या बताया था? क्लोज पाइप में जो हार्मोनिक्स बनती हैं वो होती हैं 1, 3, 5, 7 और मल्टीपल्स। क्लोज पाइप में जो लैम्डा एन होता है वो 4L/1 होता है, ठीक है? और एफ एन क्या होता है? V/4L। F1 जो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और हमेशा ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, वो उसने खुद भी दिखा दिया, ठीक है? लेकिन ये मैंने आपको साइड की नॉलेज प्रोवाइड कर दी। नाउ लाउड स्पीकर एमिट्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 1.7 किलोहर्ट्ज़। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज दिस। स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड विद एन एंटी नोड एट ए एंड ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। देयर इज ओनली वन एंटी नोड इन साइड द ट्यूब एज शोन। मुझे ऐसा लग रहा है ये, मतलब इसमें मैक्सिमम सवाल बहुत देखे देखे लग रहा है। नहीं, ये हमने पिछला सवाल नहीं किया, लेकिन आई नो मैंने कहीं करवाया है ये, पता नहीं कौन से बैच में करवाया है। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ओके, देयर इज ओनली वन एन एंटी नोड इन साइड द ट्यूब। तो मैं अपनी आसानी के लिए, एग्जामिनर ने मुझसे नहीं बोला मैं वेव बनाना चाहता हूँ, और वेव बनाने का तरीकेकार क्या होगा बेटा? कुछ ऐसा पहले तो कोई बताएगा हमारे पास इस स्ट्रक्चर में कितनी वेव एकोमोडेट हो रही है? 1.5। श्योर? मेरे मुताबिक 75% वेव कवर हो रही है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वेव होती है पूरी, और एक पूरी वेव में कितने लूप बनते हैं? दो। इसका मतलब अगर ये रीजन और होता, देखो ये पूरी वेव बनती,
अभी सिर्फ थ्री क्वार्टर वेव बन रही है, ठीक है, एंड दैट इज सेकेंड हार्म थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक के मुताबिक अगर मैं इस फॉर्मूला से आपको समझाऊं, लैम्डा थ्री क्या होगा, फोर एल ओवर थ्री, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो भी आई गिवन है। तो वेवलेंथ हमसे मांग रहे हैं, स्पीड पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन आर। वी इज 340 एंड एफ इज 1.7 किलोहर्ट्ज़ यानी 17 हर्ट्ज़। 0.2 0.20 लिखिएगा 2 SF में। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब मांग रहा है, ठीक है। तो अब मैं वो तरीकेकार फॉलो करूंगा जिसके लिए मैं आपको थोड़ी देर पहले प्रिपेयर कर रहा था। लैम्डा 3 होगा वी, 4L/3, 12 क्या हो जाएगा, वी लैम्डा 3/3। तो 3 × λ/3/4, और यू कुड सिंपली से विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है, यहाँ पे थ्री क्वार्टर ऑफ द वेव एकोमोडेट हो रही है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एल जो है वो हमारे पास 3/4 λ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। तो भी यही काम होगा जो मैं कर रहा हूँ, तो दिस विल डू बी आई थिंक 0.15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, 2 SF में। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द स्टेशनरी वेव। तो मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास जो स्टेशनरी वेव में प्रोड्यूस हो सकती है वो हमें बतानी है क्या हो सकती है, सही है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर दैट कैन प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव, मतलब हमारे पास मैक्सिमम कि कौन सी स्टेशनरी वेव जो है, किस वेवलेंथ की स्टेशनरी वेव यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द पाइप ये है हमारे पास, ओके। तो बेटा अगर लेंथ ऑफ द पाइप हमारे पास ये है तो एज मिनिमम एज पॉसिबल मेरे पास क्लोज पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक होती है, और फर्स्ट हार्मोनिक कैसे होती है, ऐसी, ठीक है। ये साइड में यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ, क्लोज पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक कैसी होती है, क्लोज पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक होती है ऐसी। बेटा जरा बताओ ये कितनी वेव एकोमोडेट हो रही है यहाँ पे, क्वार्टर क्वार्टर, यानी मेरी पूरी जो लेंथ है 0.15 मीटर की क्वार्टर वेवलेंथ को, क्वार्टर वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे एल है λ/4, तो λ/4 हमारे पास क्या है, हाँ एल है हमारे पास क्वार्टर वेवलेंथ, तो यहाँ पे एल क्या है 0.15, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास 0.6 मीटर, सही है। तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ हमारे पास स्टेशनरी वेव फॉर्म करवा सकती है भले फर्स्ट हार्मोनिक वाली ही, वो 0.6 मीटर की वेवलेंथ है, सही है। ये वाला पार्ट में नीचे कॉपी कर देता हूँ, एंड इसकी वर्किंग हमारे पास इसी तरह शो कर देंगे। एल हमारे पास λ/4 हो रहा है, तो लैम्डा हो जाएगा 4L, यानी 4 × 0.15, 0.6 डिग्री, 2 सिग्मा सेकंड के लिए, ठीक है बेटा। हाँ सीम्स लाइक Sir, so मैलस लॉ, जी हम सब whenever they ask for the maximum wavelength, we use this way. हाँ। आप बेसिकली ये देखें कि आप अगर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो आप मिनिमम हार्मोनिक की तरफ जाएं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे ना, हार्मोनिक्स जो लेंथ कवर कर रही हैं ट्यूब में पाइप में वो बढ़ती चले जाएगी, यानी वेवलेंथ बढ़ती चले जाएगी। So we always use quarter. हाँ इसी तरीके से आप चलिएगा,
फर्स्ट हार्मोनिक की तरफ चले जाइएगा, विच इज द मिनिमम वन, और जो मैक्सिमम पूरी लेंथ ऑफ द पाइप को अकोमोडेट कर रही होगी। ठीक ओके सर, है, तो अगर आपका फर्स्ट हार्मोनिक की पूरी लेंथ ऑफ द पाइप को अकोमोडेट कर रहा है, तो सोचें उसके अगर और मजीद रिमेनिंग 3/4 पार्ट है वो भी आ गए, तो दैट विल बी द बिगेस्ट वेव लेंथ। नाउ सॉरी, टू पोलराइजिंग फिल्टर्स आर अरेंज सो दैट देयर प्लेन्स आर वर्टिकल एंड पैरेलल। इन द फर्स्ट फिल्टर ऑफ ट्रांसमिशन एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री टू द वर्टिकल, एंड द सेकेंड फिल्टर एट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ टू एट अल्फा टू द वर्टिकल। ओके, बाय द वे, ये अगर आप पिछले साल अटेम्प्ट करते ए लेवल्स तो ये आपका पेपर होता। अभी जो क्लास में एक बच्चा रोमान आ गया था उसने ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा। खैर, तो इंसिडेंट बीमा में बताई हुई है, तुमने तो मैंने भी करा था। भी किया था। हाँ, और हमारे पास एंगल बताया हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड फिल्टर है जिसका एंगल बताया हुआ है, और फाइनल इंटेंसिटी बताई हुई है। द एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन 35 डिग्री, ओके, एंड लेस देन 90 डिग्रीज। बोले एंगल अल्फा हमारे पास 35 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 8.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट फिल्टर, शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट फिल्टर इज दिस। मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो प्रूव करो कि वो इंटेंसिटी 5.7 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रही है। तो हम कुछ नहीं लाइक करेंगे, मैलस लॉ लगाएंगे। ओपन पाइप में यस मुबशिर, हाफ वेवलेंथ एकोमोडेट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे मैलस लॉ। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है 35, ठीक है। आई नॉट क्या होता है हमारे पास, आई नॉट वो इंटेंसिटी होती है जो टकरा रही है मैक्सिमम, सही है। और हमें आई निकालना है, 35 कॉस स्क्वायर 35। बेटा कॉस स्क्वायर 35 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कॉस 35 निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। फाइव पॉइंट सेवन एग्जैक्टली आंसर आ रहा है जो एग्जामिनर ने हमसे निकालने का बोला था, ठीक है। नाउ अब बेटा इस फिल्टर पे की ये इंसिडेंट वेव इंटेंसिटी हो गई और ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, सही है। तो बोल रहा है दो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ ट्रांसमिटेड बाय द सेकेंड फिल्टर इज 5.2, ओके, कैलकुलेट एंगल अल्फा। ओके, चलो देखते हैं एंगल अल्फा कितना है हमारे पास। तो अब यहाँ पे एक और मर्तबा विल अप्लाई मैलस लॉ। बस फर्क सिर्फ ये है यहाँ पर, अब हमें एंगल अल्फा जो कहा हुआ है वो अननोन है। तो टकराने वाली हमारे पास इंटेंसिटी है 5.7 और आगे जाने वाली इंटेंसिटी है 5.3। तो बेटा 5.2 ओवर 5.7 क्या होगा? स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लगाएंगे? टू। तो एंड ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा 0.95, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.95। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 18.19, सही है। ठीक है, एंड फाइनली
क्या होगा बेटा, ये वो एंगल है जो हमारे पास अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो जो एंगल हमारे पास आया है, बल्कि एक मिनट रुको, छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे बेटा, सिर्फ 4.9। एक मिनट रुको, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। बायलर्स लॉ में जो थीटा होता है ना, वो दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिफरेंस होता है, सही है। तो मुझे यहाँ पे थीटा ही रखना चाहिए, छोटी सी मिस्टेक ये वाली, और वापस समझाता भी हूँ क्या मतलब है मेरा। बेटा मैलस लॉ में हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है दोनों प्लेट्स के दरमियान का एंगल। अब देखो ये बोल रहा है 35 है, और ये बोल रहा है अल्फा इज मोर देन 35, यानी अल्फा में हमारा 35 भी एकोमोडेट हो रहा है। मैलस लॉ ने मुझे ये एंगल बताया है, ये बात क्लियर हुई आपको कि कितना मैंने अपने फिल्टर को मूव करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये मुझे मैलस लॉ ने एंगल निकल के बताया है, ये बात क्लियर हुई। यस सर। अब इस एंगल में मैं 35 ऐड कर दूंगा जो मेरा आया है। कोई कुछ कह रहा था मुझसे, सर वो थीटा का आंसर 4.9 आ रहा है, वो 0.91 है, 0.95 नहीं है। अंडर रूट के बाद जी सर, वो 5.2 और रूट 5.7। अंडर रूट 5.2 डिवाइड बाय 5.7 0.55। बेटा आप देखें, आपका कैलकुलेटर रेडियन में तो नहीं है, एक मरतबा कंफर्म कर लें आपका कैलकुलेटर रेडियन में तो नहीं है, अगर है तो डिग्री में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो 35 पहले सर एंगल था, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर ले रहे तो 17.2 आ रहा है, सारे डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर प्लेसेस ले रहे ज्यादा हैं ले रहे तो तो सर। कोई मसला नहीं है, जो आप अपनी वर्किंग शो कर रहे हैं ना वो इस्तेमाल करके एग्जाम में को दिखाएंगे, मसला नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं मुबशिर? सर हो गया हो गया। 53 डिग्री आ रहा है। तो ये हमारे पास फाइनल वर्किंग हमारे पास हो गई इसकी। नाउ आई गेस हमारे पास अब एक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, और शायद एक न्यूक्लियर फिजिक्स है। करंट इन द फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेस, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस। बेटा जब करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज बल्कि एक मिनट सॉरी, थोड़ा इसको घुमा के चलना है। फिलामेंट लैम्प में करंट डिक्रीज हो रहा है, मैं वापस इसको समझाता हूँ। क्योंकि हमारे पास, अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ, जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो उल्टी बात करते हैं, अगर फिलामेंट में ज्यादा करंट जाता, फिलामेंट हीट अप ज्यादा होता, सही है। हीट अप ज्यादा होता तो टेम्परेचर बढ़ता, रेजिस्टेंस बढ़ता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ करंट फिलामेंट में कम हो गया, तो उल्टी बात होगी, फिलामेंट हीट अप कम होगा तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सही है। पहले वाले फैक्टर में हम गलती ये कर रहे थे, हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, इट सर आर लेकिन R इज इक्वल टू बी ओवर I। दैट इज फॉर ओम्स लॉ, फिलामेंट लैम्प इज नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प चेंजेस। तो हमने क्या बोला, इट्स टेम्परेचर तो डिक्रीज, वीडियो क्या कह रहे हो? तो वीडियो लैग हो रही है। सर नहीं भाई, ठीक है।
अ सिलिंड्रिकल वायर एल हैज लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टेंस आर. द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज कैरियर कंटेन इन वॉल्यूम ऑफ द वायर इज एन. टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको बताती है. ईच फ्री इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज ई व्हिच इज एलिमेंट्री चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर इज बी. रन डिटरमाइन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम और ऑल द सिंबल ई एल एन आर वी फॉर द करेंट. ओके तो बेटा करंट हमारे पास किसके बराबर होता है? करंट सिंपल तरीके से वी ओवर आर हो सकता है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस. सही है. इसके अलावा एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ये भी जानते हैं हम लोग, आई इक्वल्स टू एन ए वी ई पढ़ा है हमने. आई इक्वल्स टू एन ए वी ई हमारे पास ये है. अब एन क्या है यहाँ पे? नंबर डेंसिटी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है. सही है. तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो गया. नो द सिंबल ऑफ वॉल्यूम. So we could do velocity is equals to distance over time. लेकिन मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ कि हमें इसको भी तो डील करना है ना. तो सारे वैल्यूज को हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा. सही है. एरिया गिवन है हमें एरिया. अच्छा चलो एक काम करो, एरिया कट जाएगा. ये देखो एन ऐसे ही रखा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कर दिया. सही है. पहला काम मैंने ये किया. सही है. तो कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको थोड़ी देर में यूज करेंगे. तो बेटा हमारा इसका काम हो गया. ठीक है. अब एरिया कट जाएगा, स्पीड को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे. स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम. सही है. और डिस्टेंस हम कितना कवर कर रहे हैं? लेंथ ऑफ द वायर इज ई, बट टाइम नहीं है यहाँ पर. सही है. तो लेंथ को तो हम लोगों ने एल कह दिया, और टाइम को किस तरह करेंगे? टाइम को हम लोग यहाँ पर सिंपल करेंगे चार्ज इंटू टाइम, सॉरी चार्ज इंटू करंट होता है चार्ज चार्ज ओवर अपॉन करंट टाइम. तो टाइम हो जाएगा चार्ज अपॉन करंट. और बेटा चार्ज हमारे पास कितना है? टोटल चार्ज है एन इंटू ई. एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है और ई एलिमेंट्री चार्ज है. तो क्या आई ऐसे ही रहा, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एल आई अपॉन एन ई हो जाएगा. सही है. यानी वी आर डन विद स्पीड एज वेल. देखो सारी चीजें जो मुझे गिवन है उसमें आ गया. एल गिवन है, आई यहाँ से कट जाएगा, मसला नहीं है. एन गिवन है, ठीक है. एलिमेंट्री चार्ज गिवन है, परफेक्ट. ठीक है. सो हमें ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू निकालनी है ना. कूल. तो ड्रिफ्ट स्पीड में आप वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. तो ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी बेटा? देखते हैं. वी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए ई. सही है. तो आई हमारे पास यहां से आई की वैल्यू निकालने आप, ताकि हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड एज अ सब्जेक्ट बन सके. ठीक Sir, I think we only have to find the expression. सॉरी I think we only have to find the expression. या वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन. लेते हैं. आई इक्वल टू एम ए वी होता है, तो आई अपॉन एम सी
ये हो गया, सही है। तो हमारे पास आई हो गया वी अपॉन आर। बी अपॉन आर ऊपर स्टेटेड है। हाँ है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी रहती है यहाँ पे, एक्सप्लेन मिल रही थी। ये तो सही निकाला है एम एम ने, एन को ऐसे ही रखते हैं। तो वी आर डन विद एम फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। एन को पुट करेंगे तो एरिया से एरिया कट जाएगा, ठीक है। आई की जगह बी ओवर आर पुट कर देते हैं, एनहेंस वी इक्वल टू आई की जगह वी ओवर आर आ गया, डिवाइडेड बाय एन की जगह एन ए एल मल्टीप्लाई बाय ए इनटू ई, से ई कटा, ठीक है। एंड बचता क्या है हमारे पास, वी ओवर आर डिवाइडेड बाय एन ई अपॉन एल, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वी एल अपॉन आर एन ई, सारे वैल्यूज हैं, वी भी है एल भी है आर भी है, परफेक्ट सही है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। नाउ एवरेज टाइम टेकन फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन। तो एवरेज टाइम टेकन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव अलोंग द वायर ऑफ फुल लेंथ हमें निकालना है। ओके, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक काम लेकर चलूँ कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एल, और स्पीड की पूरी इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास। तो बेटा एल से एल कटेगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई होने के बाद ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर एन ई अपॉन वी, ठीक है। राफे, आप जो हैं अपनी वर्किंग के मुताबिक लेके चलेंगे ना, मतलब अगर आपने पूरी वैल्यू लेके चले हैं तो भी एग्जामिनर कंसीडर करेगा करेक्ट, लेकिन अगर आप थर्ड डेसिमल प्लेस चलें कोई मसला नहीं, बट दीज आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल अगर आप वैल्यू स्टेट करके आंसर निकाल लें जैसे मैंने किया था। एक और सवाल है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा ओ लेवल वाले आने शुरू हो गए, मैं उनको बोलूँ थोड़ा रुकें। सगीम भाई ओ लेवल्स वालों को बोलें 11:10 पे ज्वाइन करें, अभी ये खत्म नहीं हुई। चले अ बैटरी ऑफ EMF 9 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द LDR, ठीक है। LDR इन फिक्स रेजिस्टर हाफ द रेजिस्टेंस दिस एंड दिस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ LDR। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज से टोटल करंट निकालते हैं। आई इक्वल टू वी ओवर आर, वोल्टेज है 9, आर कितना है 1800 प्लस 1200 दैट इज 3000, पॉइंट डबल जीरो एम्पियर। नाउ वी हैव करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट दैट इज 3 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर या 0.003 एम्पियर, तो वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ LDR। तो आई है 3 एक्सपोनेंट -3 और आर हमारे पास कितना आ गया LDR का 1800, दिस वन इज LDR, ठीक है। ठीक है, सर रेजिस्टेंस ऐड क्यों हुई सर? सर सॉरी बेटा, मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड क्यों हुई?
करंट, टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था, दैट इज वाई सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है, इसलिए ऐड किया। ठीक है, सर्किट ए इज नाउ मॉडिफाइड बाय एडिंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस एक्स वाई ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सर्किट एम में सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होकर एक्स और वाई का एक वायर लगा दिया, पोटेंशियोमीटर बना दिया। द लेंथ ऑफ द वायर इज 1.2 मीटर। मूवेबल कॉन्टेक्ट जी पोजिशन ऑन द वायर एक्स वाई सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीड जीरो। बेटा कॉन्टेक्ट जी को उस वक्त तक मूव किया है जब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, एक्स जी का जो वोल्टेज है वो इन्हीं दो पॉइंट का वोल्टेज होगा, तब जाके आपको गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा। सही है। नाउ कैलकुलेट लेंथ एक्स सर जी रेशियो मेथड लगाएंगे ना? अलोंग द रेजिस्टेंस वायर। देखते हैं बेटा, फुल लेंथ जब हमारे पास आ रही है 1.2 मीटर, तो पूरा 9 वोल्ट इस पूरी लेंथ पे अपेयर हो रहा है। सही है। और हमने क्या बोला, 1.2 मीटर की लेंथ पे 9 वोल्ट अपेयर हो रहा है। ठीक है, और एक्स जी हमारे पास कहाँ है बेटा, पॉइंट जेड पर है हमारे पास। तो वी नो द वोल्टेज ऑन व्हाट डू वी से, वी नो द वोल्टेज ऑफ एल डी आर 5.4 वोल्ट। सही है, तो इन दो पॉइंट्स का जो वोल्टेज होगा वही इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज होगा, तभी गैल्वेनोमीटर सेंटर्ड जीरो पोजीशन पे आएगा। हमने बोला 5.4 वोल्ट का वोल्टेज क्या लेंथ देगा। ठीक है, जो एक्स जी की लेंथ होगी, तो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स जी हो जाएगा हमारे पास 0.72। ठीक है, द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस कॉजिंग डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ एल डी आर, द टेम्परेचर ऑफ द एल डी आर रिमेन कॉन्स्टेंट, स्टेट वेदर देयर इज अ डिक्रीज इंक्रीज और नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेटेड एल डी आर। सही है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नो चेंज है हमारे पास एल डी आर। वेदर देयर इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज टू इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेटिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग एल डी आर। ओके, क्या बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन कॉजिंग डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस एल डी आर की डिक्रीज कब होती है, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है। सही है, तो लाइट इंटेंसिटी हमारे पास हो रही है इंक्रीज। ठीक है, टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी। बेटा जब एल डी आर की रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी, यानी ओवरऑल सर्किट का करंट बढ़ जाएगा, एंड हेंस पावर इक्वल्स टू आई वी। अगर ओवरऑल सर्किट का करंट बढ़ रहा है तो पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी बढ़ जाएगी। सही है, एंड फाइनली लेंथ एक्स जी सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीड जीरो। अच्छा अब देखो, हमारे पास एल डी आर की रेजिस्टेंस कम हो गई, तो अगर एल डी आर की डिस्टेंस कम हुई है तो एल डी आर का वोल्टेज भी कम होगा। इसका मतलब इन ऑर्डर टू हैव लेस वोल्टेज हमें अपने स्लाइडर को इस पॉइंट पर मूव करना होगा, पीछे की तरफ मूव करना होगा टूवर्ड्स एक्स। सही है, तो एक्स जी की लेंथ हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। सही है, एंड दैट इज आवर हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा सवाल हुआ। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ जल्दी से लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, विच इज द पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियस पी एंड क्यू आर आइसोटोप्स ऑफ फ्री एलिमेंट। न्यूक्लियस क्यू इज अनस्टेबल एंड एमिट्स बीटा इलेक्ट्रॉन फॉर टू फॉर्म न्यूक्लियस आर। मैं पहले अपनी वर्किंग सर करूंगा, सेम डिफरेंट। एक मिनट रुको, पहले अपनी वर्किंग कर लेते हैं।
ये मैंने अपनी वर्किंग कर ली, पूरी इक्वेशन बना ली. नाउ फॉर न्यूक्लियाई ऑफ पी ए इन क्यू, कंपेयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट. ठीक है, एंड क्या बोले हैं, व्हेन न्यूक्लियस क्यू डीकेज टू फॉर्म न्यूक्लियस आर, फॉर कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियॉन चेंजेस. ओके, बेटा बीटा डीके हो रहा है, तो बीटा डीके में मैंने आपको क्या सिखाया था, बीटा डीके में मैंने आपको सिखाया था एक न्यूट्रॉन 2K प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, अप डाउन डाउन फॉर कन्वर्ट हो रहा है, अप अप डाउन क्वार्क, यानी हमारे पास क्वार्क कॉम्पोजिशन कौन चेंज कर रहा है, वन डाउन क्वार्क वन अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो वन डाउन क्वार्क कन्वर्ट्स टू वन अप क्वार्क. ठीक है, बोला है एक और पार्टिकल है जो एमिट हुआ है, तो मैंने पहले ही इक्वेशन बनाई हुई है, इसका नाम क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. हाइड्रॉन कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रॉन क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ क्वार्क, टू चार्म क्वार्क एंड वन बॉटम क्वार्क है. चार्म क्वार्क का हमारे पास चार्ज होता है +2/3 एंड बॉटम का चार्ज होता है -1/3. बोला इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, टोटल चार्ज बताओ हाइड्रॉन का, तो +2e -e/3, तो +e/3 होगा, यानी हमारे पास जो फाइनल चार्ज होगा, 1 बॉटम क्वार्क. सही है, अच्छा 2 चार्म क्वार्क है, आई एम सॉरी मैंने एक ऐड किया है. सही, अब ठीक है, तो +2 +2 -1/3, तो +4 -1/3 बचेगा, +3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, +1 e, तो +1 लिख दिएगा, e ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड दिस इज वेयर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सॉरी पेपर इज कंप्लीटेड. ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लें, देन ऑफ करते हैं, लेवल शुरू करनी है मुझे. सर पोटेंशियोमीटर की लेंथ का वो अफेक्ट, सिर्फ वो बताते हैं बस. बेटा पोटेंशियोमीटर की लेंथ का इफेक्ट का सीन ये है कि भाई जब तुमने एलडीआर पे लाइट बढ़ाई, सही है, तो एलडीआर की लेंथ हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास कम हो गया क्योंकि एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो गई. सही है, यानी अब यहाँ पे 5.4 वोल्ट अपेयर नहीं होगा, लेट से अब यहाँ पे 3 वोल्ट अपेयर होगा. तो जब ये 5.4 वोल्ट पे इस तरह आ रहा था कि बैटरी का 5.4 वोल्ट इधर अपेयर हो रहा था और रिमेनिंग वोल्ट इधर अपेयर हो रहा था, अब कम वोल्टेज है तो कम वोल्टेज के लिए हमारे स्लाइडर को इधर आना होगा ताकि 3 वोल्ट इधर अपेयर हो और बाकी रिमेनिंग वोल्ट इधर अपेयर हो. सही है, तो XG की लेंथ कम हो जाएगी. सही है, ओके सर. इफरा मॉक रेडी हुआ हुआ है, मैं इनफैक्ट एक कोचिंग में मंडे को मॉक ले रहा हूँ, तो आप लोग जब कहें आई एम ओपन. ठीक मंडे को कितने